दो एक लाइन में देख। हेलो भाई, मैं हूँ विनीत, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो भाई आज वही है ना, अपना दोस्त है भाई चिन्नू अजय, तो इन्होंने मतलब बेसिकली एक रैली प्लान की अपने इंद्रजीत के लिए, तो उस रैली में जाने का प्लान है। अभी जिस गाड़ी के अंदर मैं हूँ उसके अंदर सारा सामान पड़ा हुआ, आप देख सकते हो पीछे खाने का वाटर बॉटल वगैरह सब कुछ, मतलब जो भी पड़ा रहना चाहिए भाई, ठीक है। तो अब यही बेसिकली गाड़ी है ना, मतलब लीड करेगी, सबसे आगे ये रहेगी, इसी के अंदर सारा खाने का भी सामान है। और एक बार काफिला आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर देखो सभी लोग इकट्ठे हो रखे, यहाँ इतनी बड़ी की गाड़ियाँ, वो अंकल रहे, पीछे भी गाड़ियाँ, वहाँ से भी देखो और आगे ये गाड़ियाँ और लगी जा रही है, चार पांच गाड़ियाँ वहाँ, 10-1 गाड़ियाँ ऑफिस पे खड़ी है अपने और वहाँ पर खड़ी है, और बाकी अभी हम क्रेटा को चलाएंगे। तो देखते हैं यार, मतलब मैं सोच रहा हूँ यार गाड़ी चलाऊं, शूट करूं, और ऊपर से बारिश ने सारा प्लान है ना चौपट कर दिया। अब यहाँ पर देखो सबकी फोटो वोटो हो रही है, अपना इतना फोटो का हमें शौक नहीं है, आपको पता ही है इंस्टा पे भी बहुत कम डालते हैं। अभी देखो जैसे इनकी फोटो का टाइम आया तो सभी भाई लोग अपने बड़े लोग जो हैं उतर रहे हैं। अभी मैं अजय और गौरव से भी बात कराता हूं, गौरव को एक बार बुलाता हूं मैं। यार गौरव क्या सीन है तेरा, कैसे क्या है, तू शिक्षा दे तो थोड़ी जब बात बनेगी। गाड़ियां देख सकते हो यहाँ पर, मतलब पूरा रोड जाम हो गया पूरी कॉलोनी का, यहाँ से अपने जैसे घर वाले साइड से निकलेंगी सारी गाड़ियां। हाँ भाई चिन्नू, हाँ भाई, क्या है आज का प्लान भाई? आज राव इंद्रजीत की रैली है। और कितनी गाड़ियां होगी अब तक अपनी भाई? 60 गाड़ियां हो चुकी है। 60? और यहाँ से निकलवाते हैं, बाकी रास्ते में ये स्कॉर्पियो टॉप में शोरूम से निकलवा ला रहे गाड़ी। करवा भाई एक रील सी बनाते हैं यहाँ पर। तो भाई स्टार्टिंग हो गई है, ये निकलती हुई गाड़ियाँ, स्ट्रगल कितना करना पड़ रहा है। देखो रील के लिए कितनी मेहनत है, गौरव प्रेसिडेंट बाहर निकल गया है। हाँ प्रेसिडेंट, वीडियो बना रहा हूँ। हेलो हेलो, सारे आ गए हम। तो ये आई स्टोन है, आई इसकी वरना 84-80-30 पहले, इसका कट्टर फैन है, डीजे चलवा दिया आगे। ये गौरव, ये देख भाई क्वालिटी उल्टी देखो, यो भाई गजब क्या करना भाई रे, क्या कर सुना कह रहे हो ओए, कितना तो स्पेशल आया है आयुष अपना भाई कस्ता जी, ओ सेल रूम बंद कर भाई रे, ई बोली देखा करो क्या हम देओगो, यो प्रेसिडेंट डीयू का प्रेजिडेंट साहब भाइयों, जैसा कि आप सभी नहीं जानते होंगे तो भी हम आपको बता दें, आज हम जा रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह की रैली में जा रहे हैं, ये विशाल रैली में जा रहे हैं, और उसमें हम भी अपना जितना सहयोग हो सकता है उतने सहयोग के साथ, जो लगभग लगभग 50-60 गाड़ियों का काफिला हम यहाँ कोसड़ी से अपने अंकल जी उदय भांडागर जी के साथ निकले हैं, और जल्द ही आपको जाटोली मिलके दिखाएंगे राव इंद्रजीत सिंह, जो हमारे तरफ से तो ये समझ रहे इन सीएम पद के दावेदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और दावेदारी और मजबूती के साथ हो तो वो जनशक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं आज, और फिलहाल अपने साथ नहीं इतनी नहीं की समझ में भी ना, फिलहाल अपने साथ सरपंच, अपने टूमणा के सरपंच आयुष जी, आयुष जी पुलिस की लाइट लेके चलते हैं देखना। आज हम राव इंद्रजीत सिंह की रैली में काफी काफिले के साथ जा रहे हैं, और हमने इस रैली को कामयाब बनाना है, बहुत से गांवों में हमने प्रचार किया है इस रैली का, कि राव इंद्रजीत सिंह को सीएम बनाने के लिए ये योजना हमारी चल रही है, हम चाहते हैं कि एक बार राव इंद्रजीत सिंह सीएम हरियाणा के सीएम बने। भाई बिल्कुल बिल्कुल, रैली में कैसा लग रहा है फिर? बहुत अच्छा, बस क्या हाल है भाई, बढ़िया। गाइस तो थोड़ी देर में हम लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, अपने आयुष भाई ड्राइव कर रहे हैं, चिन्नू भाई ऊपर से शॉट निकाल रहे हैं, मतलब मेहनत पूरी, और ऊपर बाहर बारिश आ रही है, सबसे बड़ा रीजन हो गया तो बारिश आ रही है। आयुष क्या सीन है आज के? आज एकदम सिस्टम हैंग कर देंगे, सिस्टम हैंग, और गाड़ी भी सबसे ज्यादा गाड़ी पता चला है हमारी है। हां 60 गाड़ियां, 50-60 गाड़ियां हमारी, और ये इलियम पटौदी के पास पहुंच गए, यहाँ से मेन अपना इलीमंडी वाला रोड, यहाँ देखो एक जैगुआर गाड़ी, जैगुआर दिखा दो गाइस, जैगुआर
अब कोई हेटर्स कहेंगे तो वरना है। हाँ, जैगनर कम वरना तो अरे भाई क्या कर सकते हैं। आयुष वाले पे भी वो उसका लग रहा है, फोर्ड का नहीं उसका है, लैम्बोर्गिनी लैम्बोर्गिनी कौन सी वाली है ये भाई, नाम तो नहीं पता, लेकिन वैसे ऐसा है कि मैंने कंपनी में जाके कहा था लैम्बोर्गिनी दे दो, दे दी उसने, उन्होंने उरस का छोटा बेटा बना के दे दिया इसे। अरे भक्ति भी बहुत तेज है, फिर ब्रेक नहीं लगते इसके। लो भाई आज तो सारी गाड़ी उधर भाई ट्रैफिक वाले हैं, मैं कह रहा भाई बेल्ट ना है तेरी, क्या चेक करे तेरा भाई, आगे एमएलए साहब बैठे यहाँ तो पुलिसियों से ही बात करने गए हैं, पुलिसियों से ये गौरव प्रधान देखना, एमएलए के पीए गौरव बाकली देखना अब उतरेगा मने रहे तो। हाँ भाई साहब एमएलए साहब एंजॉय कर रहे होंगे हमारे साथ और आगे भी ऐसे एंजॉय करेंगे। ये एमएलए जी का पीए है स्पेशली, इन्होंने कॉन्वॉय तैयार किया आज का चिन्नू एमएलए के ना, चिन्नू एमएलए। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब विनीत गर्ग यूट्यूब चैनल एंड आल्सो लाइक शेयर एंड फॉलो एफपी क्लब पेज टीम एफपी क्लब टीयू। और सत्यनिकेतन में कोई भी दिक्कत हो तो भाई, सत्यनिकेतन में किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, कैंपस में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे वो डायरेक्टर से रिलेटेड हो, हाँ किसी से भी रिलेटेड हो। भाई ने तो वो फेस्ट यूनिवर्सिटी में करवा दिए थे किसी प्रकार की समस्या के लिए, भाई का फेस्ट करवा दिए थे भाई ने, फेस्ट करा दिए थे ना आपने, थोड़ा लेटर डालिए ऑफिस में जाके देखने कैसे क्या सिस्टम है, चक्का जाम हो रखा के पूरे का, ये देख अब आगे जा कोसड़ी में होगा तब भी ऐसा इतना तगड़ा सिस्टम बढ़ा देंगे। सीएम पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं रविंद्रजीत सिंह और अहिरवाल के साथ साथ, अगर सभी 36 बिरादरी साथ देंगी तो निश्चित तौर पे रविंद्रजीत सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे और 2024 में ही बनेंगे। बिल्कुल भाई बिल्कुल। और कुछ कॉलेज की बता दे, क्या चल रहा है कॉलेज में? कॉलेज में कुछ ज़्यादा खास नहीं चल रहा है, सेप्टेम्बर में यूनिवर्सिटी में इलेक्शंस होंगे डुसू के, हमारी तरफ से जितनी ज़्यादा सहयोग दिया जाएगा उतना देंगे, अपने भाई जो लड़ रहे हैं उन सब के लिए तन मन धन से हम हाजिर हैं, जब भी याद करोगे उसी टाइम आएंगे आपकी समस्या के लिए। बिल्कुल। और ये भाई के शोरूम अपने आयुष भाई के यहाँ पर पटौदी में इनका मतलब मुआवजा है, जमीन का मुआवजा बड़ा ही है ना, खाली शोरूम अपने जमीन अपनी है ना, हाँ तो जमीन मतलब किराए पे दे रखी, मतलब है तो मोटी परम पर क्या करे, दिखाते नहीं है, सिंपल कटिंग फौजी कटिंग करा के घूमते हैं भाई गौरव। बिल्कुल भाई, डाउन टू अर्थ। डैशबोर्ड खोल दे मैंने कि सामान निकल जाए है। और क्या, डाउन टू अर्थ इंसान को रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहेगा तो जिंदगी में कुछ हासिल कर लेगा, अगर शो करेगा तो क्या है, मान लो शो करता तो खुद कुछ बिजनेस खोल कर बैठ दी, किराया खा रहा है, देख लो 0-0-15 आगे चला रखी इनने। सो गाइस आप एक बार लोकेशन चेकआउट करो सारी, मतलब वो कहते हैं ना पॉलिटिक्स वाले की गाड़ियाँ फॉर्चुनर हर तरह फॉर्चुनर, ये देख लो भाई आगे पीछे एस्कॉर्ट पुलिस। गाइस देख लो कैसे भीड़ है, लपेट दी भाई ये काफिला, देख लो पॉलिटिक्स का फॉर्चुनर प्राइस एक बात है, सच में फॉर्चुनर का अलग है पॉलिटिक्स का, सारे की तो फॉर्चुनर टोयोटा तो एक तरफा राज कर रखा भाई, मारते तो इतनी भीड़ मांग के जाए नहीं जाएगा गाइस, तो हम तो दूर से दिखा दे एस्कॉर्ट फॉर्चुनर और फायर ब्रिगेड अलग, मतलब सब कुछ सिक्योरिटी है भाई, एम्बुलेंस वगैरह अभी हाँ पूरा सिस्टम टाइट है भाई, पर फिर भी यार मेरे हिसाब से रैली सेफ नहीं रहती भाई, इनोवा के अंदर बिठा के जैसे जैसे भीड़ चल रहा है, अब अपने ईवीन को काफी लोग एक लाइन में देख
ताली गिर सारी होगी। भाई रैली देखो एक बार। सो गाइस फाइनली लोकेशन से निकल चुके हैं और यहाँ पर ट्रैफिक पूरा जाम हो गया है। ये इसने आज इसकी एक थंबनेल फोटो आई है बढ़िया, उन्होंने आई को काफी चाल रहा सर, पर इसके पिताश्री का था, पर ये क्या कर सकते हैं, ये लो पूरा जाम हो गया पीछे देख लो भाई, सारा सिस्टम हैंग हो गया। तो भाई चलते चलते कोहली पहुंच गए थे। ये आयुष और आयुष का भाई अपने बड़े भैया आदित्य है, क्या हाल है? बस बढ़िया भाई, तू सुना? ये भाई की गाड़ी 80-30, ये आयुष कब जा रखा है इसने? आयुष ने कहाँ जा रहे हैं भाई? बस गुड़गांव जा रहे हैं भाई। किस लिए?